चल क्या रहा है वो? What the hell? Hey guys, welcome back to another video. My name is Traction and आप लोगों को वापस स्वागत है Amnesia Rebirth के एक और नए एपिसोड में। लास्ट टाइम अपन इस जगह पे मतलब आ गए थे और अपन क्रैश हो चुके हैं किसी डेजर्टी एरिया में और वहाँ पर अपन को सलीम को ढूंढना है और अपन भी उनसे थोड़े अलग से हो गए। और बेसिकली स्टोरी में क्या चल रहा है वो मेरे को अभी तक पता नहीं पड़ा है, पर हाँ हमें ज़्यादातर ये है कि हमें कोई बीमारी या फिर ऐसा कुछ है या फिर अपने पे कुछ आया है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ वायरस जैसा कुछ, जिससे कि अपन जब भी डार्क में जाते हैं तो अपने वेनम जैसी चीज़ें होने लग जाती है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि चल कह रहा है, बस खेले जा रहा हूँ मैं इसको। और यहाँ पर ये क्या है, ये हवा में कैसे उड़ा पत्थर? बत है, लास्ट टाइम तो भाई साहब एक मॉन्स्टर भी मिला था मुझे, इस बार पता नहीं यार। मेरे पास मैस्टिक्स भी नहीं है, यहाँ पर अंधेरा हो रखा है। कंट्रोल तो क्राउच, ओके। बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन। व्हाट द हेल भाई, मशरूम से उगा पड़े। ये क्या है, मेरे पास ये कब से आया? मेरे हाथ में लगा हुआ था। अच्छा, अरे ये तो वो घड़ी जैसी लग रही है मुझे, टाइम ट्रैवल वाली। बैठे जान। अच्छा ये जो ब्लू ब्लू आएगा तो मेरे को वहाँ पर जाना है, उसका पाथ फॉलो करना है। व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है? वाओ, ये तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। हुआ क्या पर? कुछ करना है मुझे यहाँ पर? नहीं, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस, मेरे को भी पसंद नहीं आ रहा, पर जानना तो पड़ ही रहा है भाई। ऑलराइट, अपन किसी और जगह पे आ गए। व्हाट द हेल, कौन है बेटा पिटी का भी? ओह, ये पोर्टल टाइप कुछ है क्या ऐसा? समझिए कि धीरे धीरे दिया अगरबत्ती नहीं, नहीं है अभी मेरे पास, माचिस साचिस नहीं है। ओ I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. ये बात किसी कर रही है? मैं इसकी चल कह रहा है, कोई मुझे बता दो। मेरे को ये वाली चीज तो काफी मस्त मिल गई भाई, ये खोल सकता हूँ मैं? यस। सलीम गाना गा रहा है मस्त, इसके सर पे पेड़ उगा पड़ा है। व्हाट द हेल, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि सलीम, हम लोग एक ही प्लेन एक ही जगह पे क्रैश हुए तो वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, या फिर क्या हुआ क्या? क्योंकि प्लेन तो टूटा नहीं था कहीं बीच से, तो वो अलग जगह घिरे। पता नहीं क्या चल रहा है, पर मुझे इतना पता है कि मेन टास्क अपना है सलीम को ढूंढना, वो अपन कर रहे हैं इसकी मदद से, जादुई पेंडेंट बोल सकते हो। और इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, ये जो हर जगह ऐसे फोटो से बना हुआ, मेरा गेम लैग करने लग गया। हेलो, एनीवन? एनीवन कौन है भाई? बैठे दी जान। इससे कुछ कर सकता हूँ? नहीं, ओके। इसके हाथ इतने बुढ़े बुढ़े से क्यों हैं भाई? तो ओल्ड लेडी है, ऑब्वियसली ओल्ड लेडी है, थोड़ी सी बच्चा है उसका। ये मोटू पेट वाला इंसान यहाँ पर भी है, ओके। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट ना जाए, मैं देख के आता हूँ वापस पीछे से। वो देखो ऊपर भी कोई जगह है, मैं जा नहीं सकता, आई थिंक वहाँ पर जंप कर, टेस्टी जंप कर ले। जंप ही नहीं कर रही भाई। एक और नया पोर्टल, चलो भाई साहब। ये क्या बकवास है, फूल? ऐसा कैसा फूल है भाई? अरे यार ये गैप वाली जगह पसंद नहीं है मुझे, जाऊं कैसे पर मैं?
जाते कैसे इधर, जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं तो। वो दहल पेटू मास्टर, तू मुझे कुछ बता सकता है क्या करना है? नहीं ये कुछ नहीं बता रहा है। वो दहल, ओ यहाँ पर भी रास्ता है पर ये खुला हुआ नहीं है। ओके तो पेंडेंट कैसे लाऊँ मैं अपने हाथ में? अरे पेंड, अच्छा कैसे लाया मैं? अच्छा सी से। ओके अच्छे अलग अलग दरवाजे हैं, मेरे को ऐसे जाके चेक करना पड़ेगा, इसमें जाके देखते हैं ना। और ये भी ब्लॉक पड़ा है ना, यानी ये वाला रास्ता नहीं, आई थिंक ऊपर वाला है जहाँ पर मैं पहले गया था। खुल जा सिम सिम नो। अच्छा नीचे पोर्टल था क्या? यार ऐसे मत करो, डरा रहे हो मुझे पते हेल। ओके ओके सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं एकदम मक्खन वाली जगह पे। अंधेरा हो रखा है काफ़ी पर मज़ा भी आ रहा है बहुत। क्राउच करो टेसी मास्टर, आपके हाथ बुड्ढे हो चुके वैसे। मैं पता है ओ, यहाँ पर दो रास्ते, इस वाले रास्ते पे जाए क्या? बैठ जान को यहाँ ना जाए, भागे जा रहा हूँ मैं गंदे तरीके से। वो ये क्या बकवास है? अच्छा ये तो लाइटनिंग वाला कुछ है भाई, मैं बस वो नहीं है मैस्टिक्स नहीं, मेरे को मैस्टिक्स ढूंढनी पड़ेगी, विदाउट मैस्टिक्स मैं काम नहीं कर सकता। दुनिया भर की मैस्टिक चाहिए मुझे, 200 किलो मैस्टिक्स प्रोवाइड करवाओ मुझे। ओ यहाँ पर जाना है, मैं वही सोचूं जगह ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं। यहाँ पर फिर से ऐसे कोने वाली जगह पर जरूर कोई पकड़ लेता है। व्हाट द हेल भाई साहब ये क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता मेंटम। इट कैन बी रियल, तो इस आँखों के सामने नहीं दिख रहा क्या? इतना बड़ा गोला से चमक रहा है क्या है बकवास? मैं भगे जा रहा हूँ दुनिया भर। हटाओ इस पत्थर को, बाहर जा पत्थर भैंस की। कौन है? भैंस की डरा रहे ये लोग। फालतू बकवास नहीं भाई, जाऊँ कब मैं? वो भागो, ऐसी जगह पे वैसे दौड़ना नहीं चाहिए पर मैं भाग रहा हूँ पागलों की तरह, क्योंकि मैं ओके कुछ नहीं ना। इतने सारे ये घटिया से फूल से हो गए पड़े, क्या मतलब है इसका? ग्लोइंग अगेन कौन? अरे किसकी बात कर रही है? मैं तेरी बात सुन भी नहीं रहा हूँ। नहीं आपको नीचे जाना है, मेरे को नीचे जाना है क्या? वो 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 हाँ मखा क्यों चिल्लाती है भाई? रगड़ता हुआ चला गया पूरा मैं। ठीक ठाक है कुछ नहीं हुआ। ये वैनम जैसे फिर से आने लगा गए, अभी तो नीचे जाता मैं। एक तो मंदिरों की घंटियां बजाना बंद करो तुम लोग, पूजा उजा चल रही है क्या तुम्हारी इधर? हैं कौन है भगवान? ये मूर्ति सी भाई, इतने सारे रास्ते खुले मेरे को यहीं जाना है। वाओ डेफिनेटली यहाँ पर कोई आया था भाई साहब, पेंसिल लेके कंपास मिल गया मुझे। अबे होल्ड करना भैंस की। बेटे दी जान तेरे साथ कुछ गलत ही हुआ है मुच्छड़ इंसान। प्रोफेसर है ये, मेरे को जल्दी ना मैस्टिक्स ढूंढनी पड़ेगी। इसने यहाँ पर अपना डेरा बसा के रखा है, यहाँ पर भी नोट्स है, दुनिया भर के नोट्स मिलते जा रहे हैं मुझे। आई मस्ट एक्सप्लोर, हाँ करेंगे भाई। ओ ये नहीं ना मैस्टिक्स, ओ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, वीक पॉइंट बट नॉट एमुलेट। इनके पास भी ऐसे कोई ये सेम डिवाइस इनके पास भी है क्या? क्योंकि विदाउट पोर्टल ये लोग आए कैसे? एक तो है ना यार गंदी गंदी सी आवाज़ आ रही है ना भाई, फट रहे हैं मेरी। मेरे को ये रास्ता दिखाएगा कि मेरे को जाना कहाँ है।
हाँ आई थिंक यहाँ पर ही चमक रहा है तो इधर ही जाना होगा। लेट्स गो फिर, मैं सही जा रहा हूँ ना? या मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक मिल गया, यही है रास्ता। यप हाँ, ये जगह काफ़ी सही लग रही है मुझे भी। ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं इधर अभी तक, पर अपन सेफ जगह पहुँच गए इतना पता है। अच्छा नॉइजलेस चलने के लिए। भाई ये भी चोच ले क्या कि कोई नोटिस ना करे? पैंस की मैंने अपनी एक मैस्टिक वेस्ट कर दी फालतू काम की। ये कौन है वो? भाई यार ऐसे मत क्या करो। What happened to them? मुझे नहीं पता। हाइड मोड मेक यू लेस विजिबल बट अनेबल टू मूव। अच्छा यानी ऐसे मॉन्स्टर्स भी आने वाले यहाँ पर, इतना फिक्स है। ये कौन है भाई? वहाँ तो नहीं जाना मुझे। सब मर लिया भाई। भाई यार अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं कुछ गलत से तो नहीं कर रहा? नहीं लोडिंग स्क्रीन जैसा तो है। मैं नीचे जाऊं क्या? जाना तो वहीं है शायद, या जाना तो उधर ही है। ये क्या हो गया? अरे भी ग्लिच हो गया, व्हाट द हेल। मैं ग्लिच में अटक गया भाई। या ग्लिच हो गया मेरा गेम भाई, मैं कहीं कहीं अलग ही जगह पे अटक गया हूँ, फंस गया हूँ मैं इधर। ओ भाई फाइनली निकल गया मैं, पता नहीं कैसे पर वो दे। नहीं भागो ऐसे, तुम लोग तो सारे मर लिए भाई। पोर्टल जल्दी खुले, मैं यहाँ से निकलूं बस। अरे मरे रे मरे रे मरे रे, व्हाट? ये फिर से द बीस्ट इनसाइड जैसा हो रहा है, अलग अलग डायमेंशन में जाता रहता हूँ मैं, और मैं अपने घर पे हूँ। ये टॉयज, कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं भाई। ये क्या टॉयज है? ओके ओ ये बंदर, सलीम का बंदर भाई। कैसे भाई तू? मेरा दोस्त, चल आज से तू मेरे साथ चलेगा। लेट्स गो। गेट खोलो। गेट कैसे खुलता है? बंदर कहाँ फेंक दिया मैंने? Yeah, maybe. And what do I get if I win? I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors. Just this compass. It was so I would always find my way home. तो ये अपने पास्ट वाली चीजों के बारे में बात कर रही है क्या? ये हम है और ये सलीम है। राइट। पुट द डैम रिंग ऑन।
Oh, my heart. I will put the damn ring on. And you will wear mine. He's sketching. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. It's terrible. Absolutely terrible. मेरे से तो काफी अच्छी ड्राइंग है. मेरे से तो काफ़ी अच्छी बना ली भाई इसने. तो मैं तो खुश हूँ. सलीम बकवास भैंस की. आता जाता कुछ है नहीं, बस हंसने आता है. कौन है बेटा? सलीम. सलीम भैंस की देखो कब से ढूंढ रहा है. अब देखना गायब हो जाएगा. हमेशा हर इस हॉरर स्टोरी में ऐसे ही होता है. भैंस की देखा, इल्यूजन है ये. पता था बच्चा भी गायब है. सब नकली है, सब इल्यूजन है. दिमाग का खेल है भाई. अब क्या करूँ इसका मैं? हिलाऊं जोर जोर के. भागो यहाँ से. सबसे अच्छा ऑप्शन, निकलो. गेट खोलो. गेट किसने बंद कर दिया? वो चल, क्या रहा है वो? What the hell? भाई क्या है ये? तपड़ा बच्चा. भाई साहब ये मस्त था भाई. कोई भी नहीं है यहाँ पर. No, it felt so real. तू सपना देख रही थी और मैं इसी घटिया जगह पे वापस आ गया. Something's different. I feel like I don't fit my body. Oh, what the hell, I'm heavy. My gut feels like. ये pregnant. ये प्रेग्नेंट सी लग रही है मुझे थोड़ी सी भाई साहब. आई थिंक आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं. मेरे को इस एपिसोड में बतेरा कुछ समझ में नहीं आया और मेरा कैरेक्टर प्रेग्नेंट हो गया. व्हाट? ऑलराइट, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही. आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक एंड अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं. अभी भी कुछ समझ भी नहीं आया. तो यार नेक्स्ट एपिसोड में और चीज़ें देखेंगे. पर हाँ, अपने को नया डिवाइस मिला है. कौन सा जरा देखे? ये वाला. हाँ, टाइम कंट्रोल वाला. तो यार बस आज के लिए इतना ही एंड और मैं मिलता हूँ एमनेशिया रीबर्थ के एक और नए एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.